नमस्ते दोस्तों, एमएस किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गाजर की मिठाई, या आप इसे बर्फी भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो गाजर लेना है। गाजर को हमें अच्छे से धो लेना है और कॉटन के कपड़े से हमें इसे पोंछ लेना है। बाद में हमें इस गाजर के छिलके निकाल लेने हैं। आपके पास जो भी कटर हो, उस कटर से हम इस ऊपर के जो छिलके हैं, उसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने पूरे गाजरों को अच्छे से छील लिया है। अब हमें इस गाजर को कट करना है। इसे हमें दो हिस्सों में काट लेना है। नीचे की साइड है, उसे भी हमें कट कर लेना है। बाद में हमें इस गाजर को फिंगर कट में कट कर लेना है। हो सके उतने पतले ही काटना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम पूरे गाजर को कट कर लेंगे। देखिए, ये देसी गाजर है। इसका कलर बिल्कुल ही केसर जैसा ही आता है। इस मिठाई में हमें केसर डालने की जरूरत ही नहीं है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। बाद में हम उसके ऊपर छन्नी रखेंगे। हमने जो गाजर कट किए थे, उन गाजर को हमें छन्नी के ऊपर रख कर पूरे छन्नी के ऊपर अच्छे से फैला देने हैं। बाद में हम उसके ऊपर ढक्कन रख कर इसे 5 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं हमारे गाजर बॉईल हो चुके हैं या नहीं। देखिए, अब हमारे गाजर बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सर के बर्तन में डालना है। फिर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें इसकी फाइन वाली पेस्ट बनानी है। हमें इसे दरदरा बिल्कुल ही रखना नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम एक कटोरा लेंगे। कटोरे के ऊपर हमें छन्नी रखनी है। छन्नी रखने के बाद हमने जो गाजर को पीस लिया है, उस गाजर को हमें छन्नी के अंदर डालकर इसे चम्मच के मदद से अच्छे से छान लेना है। छानने से हमारे गाजर के जो छोटे और बड़े टुकड़े हैं, वो ऊपर ही रह जाएंगे। इससे हमारा जो बैटर है, वो पूरा सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। उससे हमारी बर्फी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, पूरा बैटर एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ ना रहे। इस बैटर को हम एक ही दिशा में घुमाना ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहो उस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 कटोरी शक्कर डालेंगे। शक्कर को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी शक्कर और गाजर को दोनों ही अच्छे से मिक्स हो जाए, उतने हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, अब धीरे धीरे से हमारी शक्कर मेल्ट हो रही है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में जो हमारा गाजर का बैटर है, उस बैटर को डालना है। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारी शक्कर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। हमें इसे धीमे आंच पर ही पकाना है। देखिए, इसे धीरे धीरे से हल्के से बबल आ रहे हैं। अब हम इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते ही रहना है। देखिए, धीरे धीरे से इसका कलर चेंज हो रहा है। हमें इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेना है। इससे हमारी बर्फी भी अच्छी बनेगी। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ही बना लेना है।
फिर हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हम इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें बटर डालिए, हो सके तो आप इसमें देसी घी ही डालिए। इससे इसका स्वाद और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारा घी हमारा गाजर के बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक छोटे से बर्तन में निकालेंगे। अगर आपके पास ट्रे वगैरह हो सकता है तो आप उसमें डालिए, नहीं है तो टिप लंच बॉक्स में भी आप इसे डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद आधा घंटे के लिए हमें इसे फ्रीजर में रखना है। चलिए अब ये फ्रीजर में अच्छे से सेट होने जा रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के लिए ना भूलिए। अब इसे आधा घंटा हो चुका है, ये फ्रीजर में सेट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। थे ये अच्छे से सेट हो चुका है या नहीं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे। चाकू से कट करने से पहले हमें चाकू को थोड़ा सा तेल लगा लेना है, उससे हमारी बर्फी चिपकेगी नहीं। अब हम इसके छोटे से पीसेस कर लेंगे। देखिए हमारी गाजर की मिठाई या आप इसे गाजर की बर्फी भी बोल सकते हैं। देखिए दिखने में भी कितनी मस्त है और स्पंजी और सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इस बर्फी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर नारियल का बूरा डालेंगे। देखिए गाजर की मिठाई या बर्फी अब हमारी तैयार हो चुकी है।